हजारीबाग जिला में कोरोना संक्रमितों का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 94 नए कोरोना संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिला में सक्रिय मामलों की संख्या 282 हो गया है। ज्यादातर कोरोना संक्रमित शहरी क्षेत्र से ही मिले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के बंसीधर कॉलोनी से 9, बाबू गांव से 9, हुड्डू से 10, हॉली क्रॉस से 13, रविंद्र पद से 6 मामले सामने आए हैं। इसी प्रकार ओकरी, लोहसिंगना, शिवपुरी, बड़ाम बाजार से भी नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन नए संक्रमित मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम भी कर रहा है। लगातार तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या, इलाज के लिए जिला प्रशासन वैकल्पिक उपायों पर भी काम कर रहा है। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने बताया कि पूर्व की तरह कोविड केयर सेंटर बनाकर मरीजों का इलाज करवाया जाएगा। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने, जरूरत रहने पर ही बाजार निकलने, लगातार मास्क पहनने एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन करने की भी अपील की है। लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या जिला प्रशासन व आम लोगों के लिए चेतावनी है। विगत दिनों में पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। हम लोग जो भी कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने प्रथम चरण में बनाया था उसको हम लोग फिर से संचालित करेंगे। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसको हम लोग कोविड केयर सेंटर और ऐसे जगहों पे उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज का आईसीयू है प्लस अदर जो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बेड हैं डिफरेंट लेवल पे उनको हम लोग फिर से दो कि वो सारे संचालित रहे हैं, लेकिन फिर से हम लोग उसको रीचेक करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह की उसमें समस्या ना हो। एवरी वेलकम, यू've नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू've नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।